हेलो, आई एम अभिषेक पटेल, सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट। अभी हम बात करेंगे वेट गेन की। वेट गेन करने के लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज की। सो वेट गेन करने के लिए आपको क्या क्या एक्सरसाइज करनी होती है, क्या क्या एक्सरसाइज के बेनिफिट ज्यादा अफेक्ट करते हैं। सो जितनी हो सके कंपाउंड एक्सरसाइज लाइक स्क्वाट, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, जितनी हो सके ये एक्सरसाइज ज्यादा करो। आप जितना हो सके आप एक्सरसाइज पे वेट ग्रेजुअली इंक्रीज करने का फोकस ज्यादा करो। जितना हो सके आप मैक्सिमम रेपिटेशन, मैक्सिमम सेट यूज करो। फिर आपको दूसरी चीज ध्यान में रखनी है, आपका डाइट। वेट गेन करने के लिए आपको मैक्सिमम कैलोरी इंटेक डाइट लेना है, वो भी कैलोरी इंटेक, प्योर कैलोरी इंटेक। ऐसा नहीं कि कुछ भी खा के कैलोरी इंटेक बढ़ाया जाए। जितना हो सके कैलकुलेशन करो वेट, आपका बॉडी वेट के हिसाब से कि आपको कितने ग्राम प्रोटीन लेना है, कितने ग्राम कार्ब्स लेना है, कितने ग्राम फैट लेना है, फिर उसको कैलोरी कैलकुलेशन में कन्वर्ट करो। फिर आपको पता चलेगा कि आपकी वेट गेन के हिसाब से आपको कितना क्या लेना है। एक्सरसाइज में जितना हो सके आप मैक्सिमम टाइम निकालो। एक्सरसाइज में आप जितना हो सके मैक्सिमम वेट लिफ्ट करो। एक्सरसाइज में आप जितना हो सके मैक्सिमम रेपिटेशन करो। एक्सरसाइज आपको स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली इंक्रीज करनी है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप हैवी लिफ्ट शुरू कर दो। पहले अच्छे से वार्म अप करो, फिर आपके जो भी मसल की एक्सरसाइज करनी है वो मसल को एक्टिव करो, उसके साथ फिर आपको एक्सरसाइज करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको आज चेस्ट की एक्सरसाइज करनी है, तो मैं कई लोगों को देखता हूँ वार्म अप में वो ट्रेडमिल कर लेते हैं फिर चेस्ट की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। वैसे नहीं होता है। आपको कोई भी मसल की एक्सरसाइज शुरू करनी है तो उसका वार्म अप होता है वो मसल का एक्टिवनेस। सो आपको चेस्ट की एक्सरसाइज करनी है तो चेस्ट की एक्सरसाइज के हिसाब से चेस्ट के मसल्स को आप एक्टिव करो, फिर चेस्ट की एक्सरसाइज करो। वेट गेन करने के लिए ये सब चीजें भी आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि वो आपको इंजरी नहीं होने देती है। फिर जितनी हो सके कंपाउंड एक्सरसाइज लेते ही रहो, मैक्सिमम सुपर सेट लेते रहो। सुपर सेट का मतलब एक एक्सरसाइज के बाद तुरंत दूसरी एक्सरसाइज, तो आपके बॉडी को टोनिंग करेगी, साथ में आपका गोल भी अचीव करेगी।